नमस्कार, वीकेबी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेश सचिव अर्चना दाई देहनकर। अर्चना दाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना दाई राजनीति में एक बहुत लंबा सफर तय कर चुकी हैं, नागपुर शहर की सफलतम महापौर रह चुकी हैं और एक सशक्त कार्यकर्ता भी हैं। अर्चना दाई, कहीं ना कहीं ये जो सफर है ये बहुत लंबा रहा है, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? नहीं, देखिए, मैं तो एक बहुत ही सामान्य परिवार से आई हूँ, लेकिन शादी के बाद, जैसे 1990 में मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद में थोड़ा लाइफ चेंज हो गया। बोलते नहीं, शादी के बाद में लड़की का चेंज हो जाता है, तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ कि एक सामान्य परिवार से जो 10 से 5 ऑफिस करना, घर में रहना, ऐसे वो परिवार से मैं थी। और बाद में फिर यहाँ आने के बाद में मिस्टर का बिजनेस और राजनीति, ऐसा जो दौर रहा उसमें 96 से मैंने भी थोड़ा बीजेपी का, यानी 92 के इलेक्शन में विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ था जी, 94 के उस समय, तो मैंने भी पर्ची बांटने का वहां से काम स्टार्ट किया। अच्छा, तो 96 में जब वार्ड की रचना हुई, आरक्षण निकला जी, तो एकाएक 97 के पहला इलेक्शन ओबीसी महिला होने के बाद में सब जन ने कहा कि अरे नहीं, अभी लोगों के लिए महिला का एक राजनीति में कदम रखना, कहीं ना कहीं उस टाइम पर जब आपने शुरुआत की, कई मुश्किलें होंगी परिवार का, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो थे, तो क्या वो आपके मार्गदर्शक थे? निश्चित रूप से, जब कहते हैं ना किसी भी क्षेत्र में अगर महिला को काम करना है तो सबसे पहला उसको सपोर्ट घर से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो घर से मुझे, मेरे पति का भी निश्चित रूप से सपोर्ट था, इसी वजह से मैं राजनीति में अच्छे से काम कर पाई। देखिए, जब हम किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं तो महिलाओं को तो स्ट्रगल है ही, बिल्कुल है। वो फिर आपका हो या शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, महिलाओं को 50% आरक्षण होने के बाद, उस समय तो 33% आरक्षण था राजनीति में हमारे समय, लेकिन अभी 50% में भी मुझे लगता है संघर्ष तो करना ही है महिलाओं, कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा था, एक पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर अपना एक जगह बनाने के लिए, कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा जो सफर है वो लंबा होता ही है। Definitely. आपका सफर कैसे रहा, क्योंकि राजनीति में आना और उसके बाद महापौर बनना, वो बीच का सफर तो काफी अच्छा रहा होगा। जी, 97 में फिर पार्षद बनने के बाद में उस समय 98 में भी जब महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ था मेयर पद, उस समय भी मेरा नाम चला था, लेकिन उस समय फिर सबसे पहले कल्पना ताई पांडे को दिया गया था। फिर मासूरकर भी बने थे, उस समय भी मुझे फेस शहर का रखा था। तो वो, लेकिन वो चारों टर्म मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। 2002 का इलेक्शन मैंने बहुत कम वोटों से हार गई थी मैं जी। लेकिन 2007 में जब फिर से चुनाव हुए तो जनता ने फिर आशीर्वाद दिया और मैं महानगर पालिका में आई। थोड़ा सा तो था कि अगर हमारी एक जगह बनानी है तो एक तो जिस राजनीतिक पार्टी में हम काम करते हैं वहां पे अपना पूरा डीओटी होके काम करना, बिल्कुल प्रामाणिकता से काम करना, और जनता ने चुन के दिया है इसलिए वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करना, ये दोनों भूमिका करते समय मेरे पास में और एक तीसरी भूमिका ऐसी थी कि मैं वहां तक सर्विस भी कर रही थी। अच्छा, तो परिवार को चलाने के लिए वो जो एक महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो आवश्यक है वो सर्विस करके, तो मुझे आज भी ये ध्यान में, मेरा स्कूल मैं बेलतोरडी में अभी SOS जो है स्कूल ऑफ स्कॉलर, वहां पे मैं जॉब कर रही थी, तो यहाँ से 12 किलोमीटर जाना और फिर मीटिंग है, चलो दौड़ के नहीं, क्योंकि अगर मेरा प्रेजेंस नहीं दिखा वहां पे तो राजनीति में पीछे जाने के लिए, लोगों को बोलने के लिए एक चांस मिल जाएगा, तो वो भी मैं चांस छोड़ना नहीं चाहती थी। तो चाहे मुझे 2 राउंड मारना पड़े, 3 राउंड मारना पड़े, एक्सेस काम करना पड़े, वो मैं, वो समय वो स्ट्रगल मेरे साथ में बहुत ज्यादा हुआ था जी।
तो वो मैं करती थी, लेकिन मैंने कॉरपोरेशन में या जहाँ काम कर रहे अपने राजनीतिक संगठन में ये कभी सामने वाले को पता नहीं चलने दिया कि मैं पूरा टाइम नहीं दे सकती हूँ, इस तरह का वातावरण मैंने नहीं दिखाया जी। और शायद इसीलिए बाद में मुझे उसके पहले मुझे स्टैंडिंग कमिटी में भी दिया था जी। महिला और बाल कल्याण समिति में मुझे सभापति करके काम करने का मौका मिला जी। तो वो काम करने की शायद मेरी प्रशासन में काम करने का जो स्टाइल था जी। शायद निश्चित रूप से जी। पार्टी प्रभावित हुई जी। और मुझे मेयर का चांस, वो डेडिकेशन है। और मैं जनता से भी यही कहूंगी कि ये जहाँ जिस पद पे हैं और जिस तरह हम शख्सियतों से मिलते हैं, वो जिस पद पे हैं उनकी जर्नी के पीछे उनका स्ट्रगल डेडिकेशन बहुत मायने रखता है। इसीलिए मैं आजकल के युवा को यही कहूंगी कि डेडिकेशन बनाए रखें। फेलियर तो हर किसी को मिलते हैं, जैसे अर्चना ताई को भी काफी फेलियर मिले। उस फेलियर के दौर पर क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझसे शायद नहीं हो पाएगा जितना मैं सोचती कि ये हो जाएगा, बट नहीं हो पा रहा, तो क्या आपका मोटिवेशन डाउन हुआ? सही में देखो, जब फेलियर होता है तो एक मोड ऐसा हो जाता है कि नहीं देखो, मैंने पहले 5 साल भी काम किया, मुझे कुछ नहीं मिला। जो मैं उसकी दावेदार थी जी। वो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैं और एक बार प्रयास करूंगी जी। तो जब ज्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा तो उस समय तो एक मोड ऐसे आया कि नहीं शायद मुझे नहीं हो कर पाए, क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज को देना है मुझे मालूम है एक्चुअली, तो ऐसे समय में नहीं होगा क्या, लेकिन नहीं ठीक है ना, प्रयास क्यों छोड़ेंगे। बिल्कुल, जब तक हम करते हैं कर सकते, तो मैंने हार नहीं मानी। ये तो वो बात तो है कि नहीं होगा, और राजनीति में पेशेंस बहुत जरूरी चीज होती है। हम जब हमारी परीक्षा ली जाती है उस समय हम ज्यादा रिएक्ट हो गए तो समझो हमारी वो हमारे हम बैकफुट पे आना चालू हो जाता है, तो वो मैंने अवॉइड किया। आज भी वो काम है जी, निरंतर कर रही। आपने सही कहा कि परीक्षाएं ली जाती, परीक्षाएं इतनी होती है राजनीति में, वो चाहे लोगों की ट्रोलिंग हो, वो चाहे हमारी परीक्षाएं हो, ऐसी कई चीजें हैं जो हमें पक्ष हो विपक्ष हो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये सारे डेडिकेशन के बाद ताई आप बनी महापौर और एक सफलतम नागपुर के महापौर के नाम पे आपको जाना जाता देखा जाता है। किस तरह के कार्य रहे, जब आप महापौर के पद पर आई तो आपने किस तरह की प्लानिंग की, किस तरह आपको लगा कि नहीं अब नागपुर को इस तरीके से हमें करना है कार्य? देखिए महापौर के पद निश्चित रूप से इसके लिए सबसे बड़े तो उस समय माननीय नितिन जी गडकरी है, देवेंद्र जी भी आमदार थे उस समय और उनका भी काफी योगदान शहर के लिए था जी। तो ये दोनों के मार्गदर्शन में महानगर पालिका पिछले यानी उस समय भी 2007 की अगर बात कर रहे हैं तो 10 साल पहले से भी नितिन जी का और देवेंद्र जी का ही यहाँ पे था। और शहर को विकसित करने के दृष्टि से उनका जो विजन था उस विजन को चाहे यहाँ पे महानगर पालिका में जो भी बीजेपी का एज ए नेतृत्व करने वाला मेयर है तो उनका विजन आगे लेके जाना, उसको सक्सेस करना, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका और एक उनके सामने चैलेंज मुझे लगता वो था। तो उस चैलेंज को पूरा करना उस अपने नेताओं ने जो मैनिफेस्टो में दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना, क्योंकि मैं जिस समय थी वो लास्ट के 2.5 साल थे जी, जब अगले इलेक्शन को फेस करना था जी। और इसलिए मेरे सामने तो वही था कि नहीं ये मैनिफेस्टो को हमने क्लियर करना है और उनका विजन कंप्लीट करना है। तो उस दृष्टि से मैंने कार्य किया और मुझे लगता है कि जहाँ तक के आज भी वो काम यानी 2007-2009 के मैनिफेस्टो में जो काम दिए थे वो आज तक के वो काम चलते रहे। उस समय सीमेंट रोड की जो कल्पना थी उसी समय आई थी जी, अच्छा 2009 में जी जी, चाहे वो फिर सुरेश भट्ट सभागृह का भूमि पूजन हो वो भी महानगर पालिका में अलग से प्रोविजन रख के हमने किया था जी। तो उसकी भी शुरुआत उसी समय हुई। बिल्कुल, महिलाओं के लिए मैं एक महिला महापौर हूँ तो मैंने कुछ करना चाहिए महिलाओं के लिए, बचत गट की महिलाओं के लिए मैं काम करती जी, थी जी। तो उसके लिए फिर एक उनका सेलिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो एक पूरे महाराष्ट्र में नागपुर महानगर पालिका से उसकी शुरुआत हुई कि हमने
एक बड़ा एग्जीबिशन उनके लिए कस्तूरजन पार्क में रखना चालू किया। ऐसे बहुत से यानी नागपुर महोत्सव भी उसी समय में भी हम वो पहली 2010 में जी तो अलग कुछ करने का यानी वो सामाजिक क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र में और शहर की सर्वांगीण विकास के मूलभूत सोई भी जो है वो मिलना चाहिए इसके लिए प्रयास किया जी। वो आपके सामने रख के जी आपने जितने भी कार्य किए वो हमेशा सराहनीय रहे हैं और लोगों को पहचान भी मिली है। महिला बचत गट हो या महोत्सव की बात हो ये एक अलग ही पहचान के रूप में जाना जाता है। अब तो महिला बचत गट बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। राजनीति की बात कहें या कोई भी फील्ड की बात करें अर्चना दाई महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए और जो जगह मिलनी चाहिए वो अब तो बखूबी मिल रही है। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि एक स्ट्रगल है भारतीय जनता पार्टी की खासकर अगर हम बात करें तो महिलाओं को यहाँ पर किस तरह से देखा जाता है। देखिए वैसे भारतीय जनता पार्टी ही मुझे लगता है कि एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है आज तो वहाँ पे संगठना से लेके यानी किसी भी पार्टी का जब संगठन होता है और उनका एक मैनिफेस्टो होता है उसमें शायद ये बात नहीं रखी होगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनोफेस्टो में और उनके घटनात्मक जो भी है नियमावली जिसे हम कहते हैं उसमें ये उल्लेख किया गया है कि हमारे सारे इसमें 33% महिलाओं का भी जगह रहेगी और इसीलिए फिर वार्ड स्तर से लेके केंद्र स्तर तक के हर जगह महिलाओं का पार्टिसिपेशन 33% वहां पे है जी। हम जब उसी बात को अगर थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं कॉर्पोरेशन में तो अभी नियमानुसार है को वो तो बाल हम उसके लिए वो तो करना ही है हमें लेकिन उसके आगे हम अगर राजनीति में एक पार्टी करके अगर सोचते हैं तो और भी महिलाओं को सक्षम होने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है और उस दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। तो शायद पार्टी को भी ये बोलना नहीं पड़ेगा कि नहीं अभी महिलाओं आप रुक जाओ अभी आपका नहीं तो महिलाओं को भी उतना ही सक्षम बनना पड़ेगा। पहली बारी उन्हें टक्कर में शायद देखो राजनीति है ये कोई सोशल वर्क करने तो नहीं बैठा वो अपने तरफ से करने ही वाले हैं राजनीति तो महिलाओं को भी उतनी उनके साथ में टक्कर देनी पड़ेगी बिल्कुल देनी पड़ेगी। आज थोड़ी सी कहीं ना कहीं उस बात की कमी है क्योंकि हम फ्रंट लाइन में नहीं है इसलिए एक्चुअली सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy 1 degree 3 job opportunities Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy 365 Gandhinagar LAD College Square beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार आदमी की तकलीफ को तो समझो बाहर बाहर उठो बैठो। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। हम यहाँ लाग करते हैं हम हर जगह आगे लेकिन फिर भी इतनी सी चीजों के लिए अगर हम पीछे हैं तो यहाँ पर तो फोकस करना बहुत जरूरी है। स्थानिक स्वराज्य संस्था 50% आरक्षण महिलाओं को कितना बड़ा निर्णय मानती है आप इसे महानगर पालिका में जी 50% आरक्षण महिलाओं जी, का जी, ये इस निर्णय को आप कितना बड़ा मानती हैं किस तरह देखो देखती राजनीति है? में आगे बढ़ने के लिए बहुत यानी किसी भी घर को बनाने के लिए उसका इमला जो बोलते पायवा वो अगर
तो जर मजबूत नसेल तर घर मजबूत होणार नाही असं जे मराठीत म्हणतात, वैसे ही है कि ये एक शहर लेवल में जो काम कर रहे हैं उनके लिए महानगर पालिका, ग्रामीण में जो काम कर रहे हैं उनके लिए नगर पालिका नगर पंचायत जी, जी। तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है वहां पे। और वहां पे अगर 50% महिलाओं को आरक्षण है जी, तो बहुत बड़ा चांस मिला है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जी। तो वहां तो महिलाओं को खुद को प्रूव करना पड़ेगा एक्चुअली। तो शायद कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधान संस्कृति है जी, वो पीछा नहीं छोड़ रही आज भी। तो जहाँ पे महिलाओं करना चाहती है तो हमारे जैसे सारे खुश नसीब नहीं है कि चलो हमने आगे बढ़ाया है तो आप करो, तो वही कहीं ना कहीं कमी है। और इसीलिए उसमें से 10% ही महिलाएं थोड़ा सा आगे बढ़ रही है जी। कहीं ना कहीं अर्चना भाई महिलाएं अब बखूबी काम कर रही हैं हर क्षेत्र में, कंधे से कंधा मिलाने की बात थी एक जमाना था, लेकिन तो अब आगे भी बढ़ चुकी हैं, लेकिन अभी भी एक तबका है, एक सेक्शन है जहां महिलाएं आगे नहीं निकल पाती हैं, शायद ये सोच के कि कैसे होगा क्या होगा। आप तो हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती आई हैं, वो चाहे कहीं अत्याचार ही क्यों ना हो, इस बारे में आप महिलाओं से क्या कहेंगे? देखिए महिलाओं ने अगर सोचा तो उसके लिए किसी भी क्षेत्र में काम करना कठिन नहीं है। मैं देख रही हूँ अभी मेरे राजनीति के में भी 25 साल होते आ रहे, उस समय जर्नलिज्म में भी बहुत कम महिलाएं थी जी। आज हम देखते हैं तो हमारे यंग सारी लड़कियां आज जर्नलिज्म में आप जैसी आ रही है जी। उन्हें क्या रात को निकलना नहीं होता होगा जी, लेकिन कर रही है। तो कोई भी क्षेत्र महिलाओं के लिए कठिन नहीं है, और इसीलिए अगर उसने मन में ठान लिया कि नहीं मेरे हित के लिए मैं इसमें इच्छा रखती हूँ, ये क्षेत्र मेरे लिए योग्य है, तो मैं करूँ कि नहीं, तो किंतु परंतु ना रखते हुए अगर वो आगे बढ़ती है तो वो कर पाएगी, ये विश्वास होना चाहिए, ये आत्मविश्वास महिलाओं में होना चाहिए जी। और वो मुझे लगता है हमारे जैसे आपके जैसे महिलाओं को देख के निश्चित रूप से आएगा होगा और हो रहा है जी। घर गृहस्थी एक पहली प्रायोरिटी होती है महिलाओं की, जैसे आपने कहा कि आपके लिए भी उस जमाने में घर घर एक प्रायोरिटी थी, उसको साथ में बैलेंस करते करते आपने सारी चीजें की, आपने इसे कभी कम नहीं की, इतना उसको पीछे नहीं छोड़ा, आपने बहुत बैलेंस किया। इसमें आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होता है महिलाओं के लिए सारी चीजें, और खासकर जब राजनीति की बात आती है? जी जी, राजनीति की जब बात आती है तो मैं हमेशा ही महिलाओं को ये बोलती हूँ, अगर आपने अपने इच्छा से ये राजनीति का क्षेत्र चुना है तो पुरुषों को नहीं दिक्कतें आती क्या? जी सही बात, उनको भी घर चलाना होता है जी। सिर्फ महिलाओं को खाना बनाना है, अपने घर का सामान खत्म हुआ है कि नहीं वो देखना है, ठीक बात है जी। लेकिन हम उसको एक्सप्रेस क्यों करते हैं? जी सही बात, राजनीति में हमने अगर हमने पुरुषों के साथ में काम करने का तय किया है तो उनको भी दिक्कत आती थी, उनको भी घर में अगर बच्चा बीमार गिरा है तो उसको दवाखाने में ले जाने की जवाबदारी भी पुरुषों की है जी। लेकिन महिलाएं ये हमेशा लोगों के सामने बदनी, मुझे बहुत काम है, ये मुझे खाना बनाना है करना है, दिखाते रहती है, और इसीलिए शायद मुझे लगता है राजनीति में वो दो पीछे कदम चली जाती है जी, जी। वो नहीं दिखाना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगी, अभी बीच में मुझे भी ऐसे लगा कि एक मोड़ ऐसा है कि नहीं ये काम करते समय अभी मेरे ने अपनी दिक्कत बतानी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं जहां तक क्या हो सकता है मैं नहीं बताऊंगी, मैं कर लूंगी। तो अखिल भारतीय सम्मेलन था स्त्री शक्ति का नागपुर में, और उस समय मुझे वाहन व्यवस्था की पूरी शहर की जवाबदारी, पहली बार महिलाओं को वो जवाबदारी दी गई, उसके पहले पुरुष ही ये सारा काम करते थे जी। लेकिन स्त्री शक्ति ने महिला समिति ने ये समन्वय समिति ने ये तय किया कि नहीं इस बार सारी महिला ही काम करेंगी, तो उसमें वो व्यवस्था मुझे दी गई। और जिस दिन ये कार्यक्रम था 2 दिन का, उसी दिन मेरे बेटी की एंगेजमेंट थी। अच्छा। दोपहर में 2 बजे मेरी बेटी की एंगेजमेंट थी। पहले दिन मैंने तो पूरा दिन समय दिया जी। लेकिन जिस दिन सुबह यानी आसाम नागालैंड इस वहां से उत्तर ईस्ट वेस्ट से सब लोग आ रहे थे रेलवे स्टेशन में, रात के 2 बजे भी आ रहे और मुझे बोल रहे कि आने की व्यवस्था कैसे है, तो सुबह के 12 बजे तक के मैंने रेलवे स्टेशन में वो सारा संभाल के घर के आप 2 बजे अपनी बेटी की सफाई करवाई। तो जब जिन्होंने वो कार्यक्रम अटेंड किया फिर मेरे यहाँ जब वो आए, बाप रे ताई बोले, लेकिन मेरा सम्मान भी हुआ उस कार्यक्रम में उस समय कि उन्होंने ये संभाल के अपना घर भी संभाला जी। तो
अगर सारी मेरे पांच उंगलियां समान नहीं होती जी, है लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, ऐसे मुझे लगा पुरुष कर सकते तो हम क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, यानी वो वर्ड ही इसीलिए बना है और ये कोट ही इसी वजह से है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। वर्तमान में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप प्रदेश सचिव का पद आपके पास है, किस तरह निर्वहन करती हैं और किस तरह मानती है जिम्मेदारी को आपके पास दी गई है? देखिए निश्चित रूप से पेरेंट्स बॉडी के साथ में काम करने की योग्यता है ऐसे पार्टी को लगा और इसीलिए मुझे ये दायित्व दिया गया जी। विदर्भ में सिर्फ एक ही महिला है कि जिसके पास में पेरेंट्स बॉडी का ये सचिव पद है। ये सब पेरेंट बॉडी का जब पद आता है तब सही मायने में ऐसा कुछ पद आता है महिला को तो वो निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी रूप से जा सकती है, तो वहां पे भी स्ट्रगल है ही थोड़ा सा कि मैं आपको खुद को कैसे प्रूव कर सकूं। तो जहां जहां मौका मिलता है मैं प्रूव करने की कोशिश करती हूँ और मेरे इस पद का महिलाओं को ही कैसा फायदा हो इसका जी, प्रयास जी करती जी। कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है और महिलाओं के लिए अब भी मुझे लगता है एक वो अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सेक्शन ऑफ महिलाओं का है जो अब भी निकल के सामने नहीं आ रहा, उन्हें करने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है। महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं और क्या लगता है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल पाएगी? डेफिनेटली जैसे देखिए महाराष्ट्र की आज की राजनीति की जो स्थिति है उसमें तो सारी दुनिया एक तरफ और भाजपा एक तरफ ऐसा चित्र है एक्चुअली। लेकिन इस सिचुएशन में भी नागपुर महानगर पालिका गत 15 सालों से भारतीय जनता का पार्टी के पास में है। ऐसे उस 15 साल में कई चढ़ाव उतार आए जी, कभी गठबंधन हुआ कभी नहीं हुआ। आज भी महानगर पालिका के चुनाव 2022 में जब भी कभी भी ये दो तीन महीने में डिक्लेयर होते हैं हम पूरी तरह से सज्ज है, और मैं दावे के साथ में कहती हूँ कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बैठेगा जी। थैंक यू सो मच अर्चना भाई, आपको आगे के फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप यूं ही महिलाओं के लिए कार्य करती रहें और एक सशक्त कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है, आप यूं ही अपना कार्य करती रहें। तो आज तो हमारे साथ थी अर्चना भाई देहनकर, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक लिए दीजिएगा इजाजत, देखते रहिए वीकेबी न्यूज़, नमस्कार। थैंक यू।